मैं राजीव बंसल फिर आपसे मुखातिब हूँ हास्य की आवाज पर। नव वर्ष का आगमन हो रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पारा चढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। मरकरी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो पारा होता है, पारा बराबर लुढ़क रहा है। ऐसे में बर्फीली हवाएं चल रही है, सर्द हवाएं चल रही है, लेकिन इन हवाओं का सामना करने के लिए कई अजूबे भी हैं, जिन्हें ठंड के मौसम में, कड़कती ठंड के अंदर, बर्फीली हवाओं में ठंड नहीं लगती। आइए एक ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं। आप हैं, क्या नाम है आपका? पंकज मिनोचा। पंकज मिनोचा जी, जो नए सर्द के मौसम में कभी कपड़े, गर्म कपड़े डालते हैं और हमेशा ठंडे पानी से नहाते हैं, ऐसे अजूबे, ऐसा एक शरीर क्यों बना इन्हीं से जानते हैं कि अब पारा बिल्कुल यानी कि जमाव बिंदु पर पहुंच गया है, बावजूद उसके इनको ठंड नहीं लगती। ऐसा क्या इनके शरीर के अंदर, इनके टिश्यूज के अंदर बना है और इनकी संरचना शरीर की ऐसी क्यों है, इन्हीं से जानते हैं। पंकज जी नमस्कार, हासी की आवाज पर। आप सभी को, दर्शकों को नमस्कार, जो भी मेरा जो है इसका जो इंटरव्यू देख रहे हैं। भले बात, आपने तो बहुत अच्छा बोला, दर्शकों का, हमारे व्यूअर्स को भी आपने ग्रीट किया है, इसके लिए धन्यवाद आपका, आभार। और आपका भी आभार है जो आपने जो है मेरे को आपने इसे हम हाँ हाँ मेरा आभार बाद में व्यक्त करना, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ पंकज जी क्या करते हैं आप? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, मैं सर्विस करता हूँ कलर के पद पे। हाँ जी, आपको ठंड के मौसम में ठंड नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगती। बिल्कुल नहीं लगती? नहीं लगती। पारा अब जमाव बिंदु के पास पहुंच गया है, पूरा उत्तरी भारत, हरियाणा, दिल्ली, सारा जितने भी है ठंड से कांप रहा है, सबको गर्म कपड़े, जैसे मैंने भी जैकेट डाली हुई है, अंदर से एक इनर डाली हुई है, उसके ऊपर स्वेटर डाली हुई है, आप बिल्कुल हाफ बाजू में हैं। ऐसा है जी, ये मेरे को गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, गॉड गिफ्ट है, और जो है ना मैंने अपने शरीर को इस तरह से ढाल रखा है। इसके लिए क्या है कि खाना पीना आपका अच्छा हो और जो आपकी जो रेगुलर हो वो एक्सरसाइज अच्छी हो। मैं एक्सरसाइज के लिए अपने आप को जो है वर्कआउट के लिए 10 या 15 मिनट देता हूँ, इससे ऊपर मैं नहीं देता और ना ही मेरे पास इतना कोई समय होता है। आप नहाते कैसे हो, कौन से पानी से हो? मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन उसके अंदर क्या होता है मेरा नहाने का तरीका यह है कि मैं सबसे पहले पैरों पे पानी डालता हूँ, फिर पिंडलियों पर डालता हूँ, फिर उसके बाद मैं सिर पे पानी डालता हूँ, फिर उसके बाद ये दाएं और ये बाएं। अब सर्दी के मौसम में अब फिर उसके बाद मैं नहाता हूँ, मटके के पानी से नहा लेते हो? हाँ, नहा सकता हूँ मैं, टंकी के पानी से नहाते हो? हाँ जी। अब ये मात्र आपने टी शर्ट जो हम गर्मियों में भी उतार देते हैं, एक पतली सी टी शर्ट डाली हुई है, इसका क्या राज है? आपको ठंड बिल्कुल नहीं लगती? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रही। आप देख सकते हैं ये जो है कहते हैं से रोंगटे तरह जो ये रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं, ये मेरे रोंगटे खड़े नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और ये चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि भाई दर्शकों को कि भाई आप जो है अच्छी डाइट खाएं और आपका डाइट प्लान जो है अच्छा होना चाहिए, और सर्द ऋतुओं में तो अच्छी डाइट लें, गर्म गर्म चीज़ों का सेवन करें, बाकी मेरी तरह बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इसे अवॉइड करें क्योंकि सर्दी की ऋतु है। सर्द ऋतु में आप कुछ ठंडा पेयजल लेते हैं? हाँ ले सकते हैं, आप दो मैं पी के करता हूँ। अच्छा, खूब ठंडा पेयजल? हाँ बिल्कुल भी लेंगे। आप बर्फीले पानी से नहा लोगे? हाँ नहा सकते हैं, दो आप बर्फ लाओ और पानी डालो और मैं नहा कर दिखा देता हूँ। तो ऐसा क्या आपने, यानी कि घर में आपके बच्चे भी होंगे, शादीशुदा है? हाँ जी जी है? हाँ जी हाँ जी। तो आपकी जो अर्धांगिनी है वो भी ऐसे ही उनको ठंड लगती है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनको ठंड उल्टा ज्यादा लगती है। और सभी घरों में जो है ना, जितने हमारे जो घर के जो पारिवारिक जो सदस्य हैं, सबको सर्द ऋतु में ठंड अधिक लगती है और गर्मी भी लगती है। और मैं गर्मी ऋतु में आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं नीचे इनर पहन करके और स्वेटर या कोट पहन करके मैं मई और जून में पार्क में रेस मारता हूँ। अच्छा, गर्मी ऋतु में यानी ग्रीष्मकालीन वातावरण में आप इनर भी और स्वेटर भी डाल के रेस मारते हैं? गर्मी नहीं लगती आपको? नहीं लगती, नहीं लगती, नहीं लगती। सर्दियों में अंदर से कूलेंट महसूस होता है, तब जब मैं अंदर डालता हूँ ये मई जून में, तो मेरे को कूल महसूस होता है। सुना है कि आप खाते भी बहुत हैं, तो ये जो अंडा जिसे कहते हैं कि ये सफ़ेद आलू जिसको हम बोल देते हैं, तो कितने खा जाते हो आप अगर देने को हो तो? मैं सर जो है लगभग 20-25 अंडे जो है ना मैं खा जाऊंगा, कच्चे अंडे खा सकता हूँ, लेकिन मैं खाता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि एक तो मेरे अंदर शरीर के अंदर बहुत गर्मी बन रही है इस टाइम,
और मैं अगर और गर्मी डाल दूंगा तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर मेरे को अच्छा ये भी उतारनी पड़ेगी। अच्छा कैंपा कितने पी जाओगे सर्दी की ऋतु में? सर्दी की ऋतु में कैंपा, कैंपा जो है वैसे तो पीनी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें चीनी होती है, कैलोरी अधिक होती है, जो कि वैसे तो कैंपा के लिए तो वैसे मैं कहता हूँ कैंपा और पेप्सी तो ये पीनी नहीं चाहिए। चलो ये अलग बात है कि हम ठंडा कोई पेयजल दे आपकी तासीर के अनुसार, तो आप सर्द ऋतु में जो ठंडी मौसम है इसमें कितना पानी पी जाओगे ठंडा बर्फीला? 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 6 जितनी मेरी कैपेसिटी होगी उतना तो मैं पीऊंगा पीऊंगा, बाकी उसे मैं ठंडे से परहेज नहीं है। ठंडे से परहेज नहीं है, ठंडे पानी से नहाते हैं। हाँ जी जी। ए रात को एक खेस में या एक छोटे से कंबल में सो जाते हैं, आपको ठंडी लगती है? नहीं ऐसा है, नहीं है कि मैं कंबल में से सो सकता हूँ लेकिन मैं रजाई में सोता हूँ। कारण इसका यह है क्योंकि हमारा जो शरीर होता है उस टाइम ठंडा होता है जब हम सोते हैं, ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो ठंडा होता है, और जब हम मैं जब उठता हूँ तो उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है वो, और उसके बाद जो है ना मैं ओस की बूंदे पड़ती है, फॉग होता है, मैं पार हो जाता हूँ डेली, पार हो जाते हो इसी पे? हाँ इसी में पार हो जाता हूँ मैं, और बाइक पे जाता हूँ। धन्यवाद साहब, नया वर्ष आपको मुबारक हो, नया वर्ष आपके लिए, आप अगर इसी तरह रहे और हम इसी तरह रहे, ये सर्द ऋतु तो बड़ा हमारे लिए तो बड़ा बहुत पेचीदा सा काम है कि इतनी ठंड में हमें तो कपड़े भी नहीं मिलते, इतने ज़्यादा फूला हो रहा, आप बिल्कुल ऐसे पहनते हो इसको, तो कैसे काम चलता होगा? बस ही चला लेते हैं सर। ये थे पंकज जी, और बड़े अजीबे इंसान है, उनकी शारीरिक तासीर ऐसी है कि इतना पारा गिरा हुआ है, आप देखते हैं जमाव बिंदु पर आ गई है, सर्दी इतनी है लेकिन उनको ठंड नहीं लगती, मात्र एक टी शर्ट के अंदर ठंडे पानी में नहाते हैं। हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे बहुत से अलग अलग तासीर के व्यक्ति मिलेंगे, अजीब मिलेंगे, जिनको ठंड बहुत कम लगती है और ठंडे पानी में नहाते हैं, मात्र यानी कि ठंडे पानी का नाम लेते ही हाथ कांपने लगता है, अलाव सेकने लगते हैं हम, लेकिन ये अलाव नहीं सेकते, ये ठंडे पानी से नहाते हैं, ये गर्म कपड़े नहीं पहनते। मेरे साथ मेरे सहयोगी विजेंद्र ने भी बहुत विंड चीटर डाला हुआ है लेकिन ये तो मात्र हाँ बाजू की टी शर्ट में है। ऐसे ही अजूबों के साथ हम आपको मिलवाते रहेंगे दोस्तों, लेकिन हंसी की आवाज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा, और ऐसे ही पंकज नामक व्यक्ति से और जानते हैं। आप सभी को जो है मेरी ओर से भी जो है नववर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, नव वर्ष आप सबको मुबारक हो, मंगल में इन्हीं कामनाओं के साथ फिर एक शख्सियत के साथ मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार, भले रहिएगा हंसी के आवाज़ पर। थैंक यू।